नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। आचार संहिता के ऐलान से ठीक पहले संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को हटाया, विवेक क्षेत्रीय को सौंपा जिम्मा। खजुराहो के सपा प्रत्याशी का ऐलान 1 से 2 दिन में, पूर्व विधायक पति पत्नी टिकट की रेस में, बिजावर के मनोज को मिल सकता है मौका। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा छोड़ी, कार्यकाल खत्म होने के 15 दिन पहले दिया इस्तीफा, बोले पार्टी की कथनी और करनी में अंतर। क्रिकेटर उमेश यादव पत्नी ने महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए, देहरी से जल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। आचार संहिता के पहले एक्टिव मोड में सरकार, मंत्रालय में रात तक दौड़ती रही फाइलें, मंत्री सांसद विधायकों ने दिन भर किया भूमि पूजन लोकार्पण। 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, 4 जून को होगा नतीजों का ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, यहां 15 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल और डीजल। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। लक्षद्वीप समूह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए की कटौती की गई है। मेनका गांधी का क्या होगा, सुल्तानपुर सीट को लेकर असमंजस में भाजपा, हाईकमान को भेजेगा ये 3 नाम। मेनका गांधी को यहां के बजाय पीलीभीत से एक बार पार्टी फिर मौका देना चाहती है। दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी, केजरीवाल सरकार कराएगी सर्वे, फिर होगी दुकान लगाने की अनुमति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के रेहड़ी पटरी वालों के लिए शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति लागू, अब लोगों को मिल सकेगी मुफ्त बिजली, रुपए भी कमा सकेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।